एक्सेल एपिसोड 2। दोस्तों एमएस एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इस फीचर की मदद से आप अपने डेटा को अलग अलग तरीके से सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर को इस्तेमाल करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एक्सेल के सारे एपिसोड्स आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकिशन आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक्सेल को ओपन कर लिए हैं, और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में समझे हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको एक बार याद दिला देता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में होम टैब के अंदर जो है कुछ ग्रुप्स को हम लोग समझे थे, जैसे कि क्लिपबोर्ड क्या है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फीचर है, उसके बाद फॉन्ट में क्या क्या फीचर है इसके बारे में समझे थे, साथ ही अलाइनमेंट, नंबर और उसके बाद जो है सेल, इन सभी ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने समझे थे। आज की इस वीडियो में यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अगर आप पिछले वीडियो को यानी कि एक्सेल के एपिसोड 1 को नहीं देखें तो आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक टेबल क्रिएट करना भी जानेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, और उसी टेबल के ऊपर में हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल हम लोग एक नॉर्मल सिंपल सा एक टेबल क्रिएट करते हैं मार्कशीट नाम से। तो कॉलम बी से लेकर के कॉलम आई तक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग दे देंगे मार्कशीट, और इसको बोल्ड कर लेते हैं, साइज़ यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ से हम लोग बोल्ड कर लिए, साइज़ इंक्रीज कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स का मार्कशीट बना रहे हैं, एक छोटा सा मार्कशीट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं रोल नंबर, उसके बाद नेम दे देते हैं स्टूडेंट का नाम, उसके बाद यहाँ पर देते हैं हिंदी, उसके बाद यहाँ पर देते हैं मैथ, उसके बाद हिस्ट्री, साइंस, और यहाँ पर देते हैं टोटल। तो इस सेल को हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। पूरे टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हम लोग 11 तक ले लेते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ से बॉर्डर ऐड कर लेते हैं ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करके। अब यहाँ पर हीडर जो है इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पर रोल नंबर दे देते हैं, तो यहाँ पर 11 देते हैं, यहाँ पर 12, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पर 18 हो चुका है। पूरे टेबल को सिलेक्ट करके और अलाइनमेंट भी इनका सेंटर कर लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम दे देंगे। अब तो यहाँ पर मैं अपने मन से स्टूडेंट्स का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं, तो यहाँ पर देते हैं 55, 78, 65, 44, इसी तरह से बाकी के चारों सब्जेक्ट्स में हम लोग नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल निकालने का दो सबसे सिंपल प्रोसेस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्लैंक सेल को भी सिलेक्ट किए जो कि टोटल का हमारा सेल है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं, और अगर चाहें तो हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग केवल उन्हीं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिनका कैलकुलेशन करना है, यानी टोटल निकालना है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्विक एनालाइज का, इस पर जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा टोटल का, टोटल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, टोटल आ चुका है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, सभी का यहाँ पर टोटल सामने आ चुका है। अब यहाँ पर अगर हम लोग चाहें कि एक नया सब्जेक्ट ऐड करना तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट का कोई भी कॉलम। मान लीजिए हमको यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है एक नया सब्जेक्ट ऐड करना है, यानी हिस्ट्री और साइंस के बीच में, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। जैसे इंसर्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर एक कॉलम जो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पर टेबल के अंदर ही है। अब यहाँ पर हम लोग दे देंगे, यहाँ पर देते हैं जियोग्राफी, और यहाँ पर मार्क्स भी दे देंगे,
तो यहाँ पर हमारा टेबल जो है तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसी टेबल के ऊपर में शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो टेबल है केवल टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो टेबल का नाम है इसको नहीं सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर फॉर्मेट है टेबल में, यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारे टेबल्स के फॉर्मेट मिल जाएंगे। अब मान लीजिए हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो है रेंज पूछ रहा है यहाँ पर टेबल का रेंज कितना है। अगर आप चाहें तो पूरे टेबल का जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रेंज है टेबल का रेंज जो है यहाँ पर सिलेक्टेड है, यहाँ पर डांसिंग एंड जो है आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आप चाहें तो केवल दो कॉलम्स या तीन कॉलम्स के ऊपर जो है इस टेबल का फॉर्मेट लगा सकते हैं, या हमको लगाना है यहाँ पर पूरे टेबल के ऊपर में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरे टेबल का जो रेंज है सिलेक्ट किए हैं। अब ओके करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने ओके किया यहाँ पर टेबल का जो फॉर्मेट है लग चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फिल्टर का, फिल्टर बटन्स। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे बटन्स दिख रहे होंगे, ये हमारे ड्रॉप डाउन फिल्टर बटन्स हैं। तो इनको अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं इसको अनचेक करके, उसके बाद चेक करेंगे वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर फिल्टर और सॉर्टिंग जो हम लोग करेंगे इन्हीं के मदद से हम लोग करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर फिल्टर बटन्स को ऐड किए हैं। अगर आप इस टेबल के बाहर कहीं पर भी कोई भी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो टेबल डिजाइनिंग का जो टैब था ये हाइड हो जाएगा। वापस से अगर हम लोग इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो टेबल डिजाइनिंग का जो टैब शो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको हीडर रो का ऑप्शन मिलेगा, इसको अगर हम लोग अनचेक करेंगे तो ये जो हीडर है ये हाइड हो जाएगा। इसको अनचेक करते हैं, देखिए हाइड हो चुका है। चेक करते हैं वापस से। अब आता है टोटल रो, अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो ये जो हमारा टोटल है इसका ग्रैंड टोटल आपको मिल जाएगा। टोटल पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। अनचेक कर लेते हैं इसको। उसके बाद आता है बैंडेड रो, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है सेल ज़रा कम हाईलाइटेड और ये जो है ज़्यादा है, तो इसको हम लोग अनचेक करेंगे तो देखिए सभी जो है एक समान हो जाएंगे। वापस से इसको चेक कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। तो अब आते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, यानी अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है ये आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि ये हमारा इस टेबल का फर्स्ट कॉलम है। सेम इसी तरह से यहाँ पर लास्ट भी है, तो ये इस तरह से लास्ट कॉलम भी हाईलाइट करके दिखा दिया। दोनों को अनचेक कर लेते हैं। अब आता है बैंडेड कॉलम्स, इसको हम लोग चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बैंडेड कॉलम्स जो है हाईलाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पर टेबल्स स्टाइल, यहाँ से अगर आप चाहें कि ये जो है हमारा टेबल का स्टाइल जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आप चाहें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चमकता धमकता, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको या फिर इसको, मैं इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ। अब आता है यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर, अगर दोस्तों इस पर क्लिक करके हम लोग आते हैं स्लाइसर इंसर्ट करते हैं, ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हमको अगर स्लाइसर के द्वारा फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पर रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, मैथ को ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। मैथ को यहाँ पर साइड में करेंगे और इसका ज़रा साइज हम लोग छोटा कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर करते हैं रोल नंबर को। दोस्तों अगर हमको देखना है कि जो रोल नंबर 13 है इस स्टूडेंट का नाम क्या है, मान लीजिए ये जो है टेबल बहुत छोटा है, अगर इस टेबल में मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स हो तो उन स्टूडेंट्स में से अगर आपसे पूछा जाए कि जो 17 नंबर जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का नाम क्या है, उसको सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं उनको दिखाइए केवल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर केवल 17 को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर केवल जो रोल नंबर 17 है जिसका स्टूडेंट का उसी का केवल यहाँ पर डिटेल्स हो रहा है, यहाँ पर नाम मार्क्स जो है सभी सब्जेक्ट का साथ ही टोटल भी यहाँ पर पूरा जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 17 और 14 इन दोनों स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं कि इन दोनों स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है क्या नाम है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टी सिलेक्शन को इनेबल कर लेंगे यानी चेक कर लेंगे। उसके बाद 14 नंबर को सिलेक्ट करते हैं, देखिए उसका भी यहाँ पर डिटेल्स हो रहा है।
देखना चाहें अगर 18 का तो 18 का भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप रोल नंबर का स्लाइसर का इस्तेमाल करके आप फिल्टर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं फिल्टर को, और इसको हम लोग डिलीट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं मैथ को, तो मैथ में सेम उसी तरह से है। अगर मान लीजिए हम लोग देखना चाहें कि 54 जो है किस स्टूडेंट को मिला है मैथ में, तो इसलिए हम लोग 54 को सिलेक्ट करेंगे केवल। तो देखिए इस स्टूडेंट का नाम है राम। और अगर हम लोग देखना चाहें कि 65 किसका मिला है, तो 65 को जैसे चेक किए यहाँ पर नेम और रोल नंबर और पूरा जो है यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है। इसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये था टेबल डिजाइनिंग के विंडो में स्लाइसर। अब यहाँ पर आता है डुप्लीकेट्स और समराइज विथ पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के बारे में हम लोग आने वाले एक्सेल के एपिसोड्स में समझेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर टेबल का स्टाइल ऑप्शंस को और यहाँ पर स्लाइसर को साथ ही टेबल स्टाइल को समझें। अब आते हैं वापस से हम लोग होम टैब के अंदर। तो होम टैब में यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में हम लोगों ने ऑटोसम को तो देख ही लिया है। अब यहाँ पर आते हैं क्लियर में। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग टेबल को पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि क्लियर ऑल। अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेल के अंदर काम किए हैं वो पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड करते हैं। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेट। इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो केवल जो है टेबल का जो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग किया है यानी कलरिंग बोल्ड या जो भी हम लोगों ने किया है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। केवल हमारा डेटा जो है सुरक्षित रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है डेटा जो है ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं दिख रहा है। तो वापस हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, क्लियर में वापस से जाते हैं और यहाँ पर क्लियर कंटेंट है। अगर क्लियर कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे कंटेंट है यानी डेटा है वो पूरा का पूरा जो क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, क्लियर में वापस से आते हैं और क्लियर हाइपरलिंक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेल इन दोनों को मर्ज करते हैं तीनों को, और इसमें हम लोग टाइप करते हैं jay@gmail.com। ऐसा अगर हम लोग टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये हाइपरलिंक बन चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्लियर पर जाने के बाद क्लियर हाइपरलिंक को भी क्लिक करके कर सकते हैं इसको, या रिमूव हाइपरलिंक को भी क्लिक करके हाइपरलिंक को हटा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्लियर हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक यहाँ पर हट चुका है, देखिए यहाँ पर अभी क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आता है फिल। फिल में हम लोग आने वाले वीडियो में इसको समझेंगे। तो अब आते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में। शॉर्ट एंड फिल्टर को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि शॉर्ट एंड फिल्टर में सबसे पहले हम लोग आते हैं नेम पर। तो नेम को अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, यानी कि Z2A। तो इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर शॉर्ट Z2A को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ये शॉर्टिंग हो चुका है। वापस से यहाँ पर जाते हैं और इसको अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहें यानी कि A to Z, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो चुका है। वापस हम लोग यहाँ पर जाएंगे और अगर देखना चाहें केवल कुछ ही स्टूडेंट्स का डिटेल्स, यहाँ पर सभी को अनचेक कर लेते हैं। और जैसे कि मान लीजिए हम लोग राहुल को देखना चाहते हैं, विजय का देखना चाहते हैं डिटेल्स और श्याम का, ओके करते हैं तो केवल देखिए तीन ही स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पर डिटेल्स शो हो रहा है। अगर हम लोग नंबर को ऐसा करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर फिल्टर। अगर हम लोग नंबर्स में देखना चाहें जैसे कि हिंदी का जो मार्क्स है इसमें अगर हम लोग जाएँ और यहाँ पर हम लोग अगर देखना चाहें कि जो मार्क्स है हिंदी में ये 60 से 90 के बीच में किस किस स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है, ये अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम लोग जाएँगे यहाँ पर हिंदी में नंबर फिल्टर में जाएँगे और उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन में हम लोग यहाँ पर देते हैं 60, यानी कि 60 से ज़्यादा, और एंड को सिलेक्ट करेंगे और लेस देन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, लेस देन 90, और ओके करते हैं। तो देखिए हिंदी में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स जो है 70 से 90 के बीच में है, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिटेल्स हो रहा है। तो इस तरह से आप नंबर के ऊपर में भी फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लियर फिल्टर को सिलेक्ट करके क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे नंबर फिल्टर के अंदर, जैसे कि इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन,
यानी कि अगर देखना चाहें कि 50 से ज़्यादा किन किन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है केवल, अगर उसको देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं ग्रेटर देन पर क्लिक करके। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें ग्रेटर देन ओनली 80, ओके करते हैं, तो यहाँ पर मैथ में ग्रेटर देन 80 जो है किसी का भी मार्क्स नहीं है मैथ्स के अंदर, तो इसलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें 60 से ज़्यादा, तो इस पर जाएंगे और नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन को सिलेक्ट करके यहाँ पर करेंगे 60, ओके करेंगे, तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स का डिटेल शो हो रहा है, अजय और गणेश का, जिनको 60 से ज़्यादा जो है मार्क्स मिला है। क्लियर करते हैं फिल्टर को। अब यहाँ पर देखना चाहें कि टोटल जो है लेस देन 300 कितना है, तो नंबर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा लेस देन, इसको सेलेक्ट करेंगे लेस देन 300 और ओके करते हैं। जैसे हम लोगों ने ओके किया, यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं दीपक और श्याम, जिनको, तो यहाँ पर केवल दो ही स्टूडेंट्स हैं जिनका टोटल जो है 300 से कम है। क्लियर करते हैं इसको। तो इस तरह से आप शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये शॉर्ट एंड फिल्टर था। अभी यहाँ पर आते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल में यहाँ पर सेल का स्टाइल है। अगर हम लोग पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं, या मान लीजिए हम लोग केवल हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, सेल में जाते हैं, सेल स्टाइल्स में, यहाँ से जो भी आपको स्टाइल चूज़ करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने इसको चूज़ किया, सेल का स्टाइल चेंज हो चुका है। मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ, या पूरे टेबल को अगर हम लोग चाहें तो ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से पूरे टेबल को। अब आते हैं यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल, तो इसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग को समझ लिए हैं। अब आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कंडीशन के द्वारा ही फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, और नंबर्स में केवल यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेट में जाते हैं, हाईलाइट्स, सेल रूल में बिटवीन को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे बिटवीन में 300 से 370 के बीच में किन किन स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो यहाँ पर कलर चूज़ कर लेते हैं इसको और ओके करते हैं। तो यहाँ पर केवल चार ही स्टूडेंट्स हैं जिनका टोटल जो है 300 से लेकर के 370 के बीच में है। और वापस आते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि डेटा बार, इन सभी को हम लोग आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। तो इस एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना सीखे हैं, साथ ही शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में भी समझे हैं, और आने वाले एपिसोड्स में एक्सेल के बाकी के फीचर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार, तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद।